क्योंकि एसएसबी के साइकिल रैली दिल्ली तक जाएगी। जी हमारे सभी के लिए प्राउड फीलिंग है क्योंकि एक पूरी फोर्स में से इतने हम 20 लोग एसएसबी को रिप्रेजेंट करते हुए आगे दिल्ली तक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ हैरी और आप सभी देख रहे हैं आईवी टीवी। अभी हम लोग मौजूद हैं जेपी सेतु पुल के पास, जहाँ पे एसएसबी जवानों ने साइकिल रैली निकाली है। क्यों निकाली है? क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और उसी के उपलक्ष में उन्होंने 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव निकाला है। आइए इन्हीं लोग से जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियाँ हैं इनको इस चीज़ को लेकर। चलिए मेरे साथ। ये क्या चीज़, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हमारा आज़ादी का 75वीं मतलब वर्षगांठ है, तो उसके महोत्सव में हम लोग अमृत रैली निकाले हैं सशस्त्र सीमा बल की ओर से। तो ये अभी राजभवन पटना से चल करके 2 अक्टूबर को दिल्ली जाएगी। तो कैसे, मतलब साइकिल से ही जाएंगे आप लोग? हाँ, साइकिल रैली है। क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी इस चीज़ को, अमृत महोत्सव को लेकर? अमृत महोत्सव की तैयारी हम लोग बहुत सारे कर रखे हैं। जैसे तेजपुर, हम लोग फ्रंटियर तेजपुर है, तेजपुर से चलकर सिलीगुड़ी मतलब होते हुए पूरा जाएगा दिल्ली तक। भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में मतलब हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं। तो कितने टोटल आप लोग कितने लोग हैं? जैसे हर एक फ्रंटियर से अलग अलग लोग आ रहे हैं, हर एक फ्रंटियर से 20 लोग आ रहे हैं और हम लोग यहाँ के 20 हैं। तो मतलब कौन कौन से बटालियन इसमें मौजूद हैं? इसमें सीमांत पटना के पूरा जितना बटालियन है, हर एक बटालियन से एक एक आदमी मतलब जा रहा है साथ। तो आप लोग यहाँ से, जैसे कि उन्होंने बताया कि दिल्ली तक आप लोग जाएंगे, तो साइकिल से ही जाएंगे आप? हाँ, साइकिल से ही। चलिए, और जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं क्या कुछ इनकी तैयारियाँ हैं। सर से मिल लीजिए, आइए हेड से ही बात करते हैं। आके आइए यहाँ के हेड से बात करते हो, जानते हैं कि किस खुशी में इन्होंने ये क्या किया। सर, क्या कारण क्या है आप लोगों का साइकिल रैली निकालने का? जैसा कि सबको मालूम है कि पूरे देश में आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद आज़ादी का एक अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसमें एसएसबी भी पूरे देश में संदेश देना चाहती है कि 75 साल आज़ादी के कम्प्लीट होने के बाद हमारा देश ने क्या प्रगति किया और एसएसबी भी इसमें अपनी सहभागिता दे रही है। तो ये साइकिल रैली जो आप लोग निकाले, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये साइकिल रैली आज मुजफ्फरपुर तक जाएगी, इसके बाद इनका जो अंतिम पड़ाव होगा वो न्यू दिल्ली होगा। मतलब कि एसएसबी के साइकिल रैली ये दिल्ली तक जाएगी और अभी तक एक नया प्रपोजल भी है कि हम एक केवड़िया, एक जगह है ये बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर कि सरदार पटेल का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूर्ति बनाया गया है, वहाँ भी जा सकती है ये। तो सर, मतलब कितना टाइम लगेगा लगभग दिल्ली पहुँचने तक आप लोग का? ये पूरी साइकिल रैली जो हमारे पूरे एसएसबी के, हमारे एसएसबी के अंदर 5 फ्रंटियर है, ये पूरी साइकिल रैली यहाँ से असेंबल होकर दिल्ली में 2 अक्टूबर को पहुँचेगी। तो सर, आप लोग टोटल सबको, जितने भी लोग हैं, सब साइकिल से जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो जितने भी साइकिल रैली के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो पूरी तरह साइकिल से पूरे देश का भ्रमण करते हुए न्यू दिल्ली तक जाएंगे। तो सर, टोटल कितने पार्टिसिपेंट कितने हैं टोटल? अभी जो साइकिल रैली जो निकली यहाँ से अपनी पटना फ्रंटियर सीमांत एसएसबी की, उसमें 15 साइकिलिस्ट हैं और 5 रिजर्व हैं। सर, इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम पूरा एसएसबी की तरफ से हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और एसएसबी भी इस देश का ही अपना ही भाग है, तो हमारे जितने भी जवान हैं ये पूरा एसएसबी कर रही है। तो सुना आपने, इन्होंने 2 अक्टूबर तक ये दिल्ली तक पहुँचेंगे, साइकिल के थ्रू ही पहुँचेंगे। आप एक बार तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इनकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं। मैं सहयोगी को बोलूँगी, तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें एक बार। एक अपना फोटो ले लो भाई, कमांडर एसी साहब हमारे साथ, कमांडर भी हैं यहाँ के ट्रिप के मौजूद। सर, आप लोग तो कैसा प्राउड फील कर रहे हैं? जी हमारे सभी के लिए प्राउड फीलिंग है क्योंकि एक पूरी फोर्स में से इतने हम 20 लोग एसएसबी को रिप्रेजेंट करते हुए आगे दिल्ली तक जाएंगे। ये हमारे लिए नहीं, एक आगे पीढ़ी के लिए भी मैसेज है कि फिट इंडिया के जरिए हम जो यहाँ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, सभी के पास मैसेज पहुँचे कि एक भारत को हमें 75 ईयर्स तक एक विज़न देना है, जो हम आगे बढ़ना है एक ग्रोथ के साथ, सभी एक वैल्यूज़ के साथ हम भारत को आगे लेके जाएं। ये सभी लोगों के लिए भी मैसेज है, ना कि सिर्फ हम जवानों के लिए,
हम तो काम करते रहेंगे, हमें काम ही है कि हम देश के लिए हर टाइम आगे बढ़ते रहते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं, पर एक लोगों के लिए भी भावना को क्रिएट करना है कि एक सेक्रेड विजन जो हमने क्रिएट करना है पूरे देश के लिए, ताकि सभी लोग एक साथ बनकर हम देश की आज़ादी के लिए जो हमारी वैल्यूज थी उसको लेकर हम आगे बढ़ें। सर, आप लोग के दिमाग में ये आइडिया कैसे कि साइकिल रैली निकालने का? साइकिल रैली एक फिट इंडिया मूवमेंट के पहले से ही फिक्स पैटर्न के अंदर ही है, जो तहत के अंदर हमारा साइकिलिंग का एक साइकिलिंग माशा एक देखा जाए कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए फिट होना, तो एक सिंपल मैसेज है, क्योंकि एक या तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स का देखा जाए और एक लोगों को फिट एक्सरसाइज करने के लिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा एक साइकिल के थ्रू हम जितना रास्ता कवर कर सकते हैं भाई लोगों के साथ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो ये साइकिलिंग का ये रहता, बाइक से भी निकाल सकते हैं पर उतना हम लोगों के साथ नहीं टच कर सकते, तो साइकिलिंग के थ्रू जितना लोगों के साथ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना ही अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर बाइक से जैसे आपने बोला तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और साइकिल से वो चीज़ रुक सकती है। उसके लिए अभी इतना नहीं सोचा था कि पॉल्यूशन के लिए वो अभी मेन मोटिव नहीं था, पर ये मेन साइकिलिंग का पहले उससे पहले बाइक रैली भी निकालते हैं, पर साइकिल रैली का इस बार जो आइडिया था वो फिट इंडिया मूवमेंट के अधीन ही आया, जो भी नया फिट इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम लॉन्च किया उसी के अधीन है। देखिए, सर ने बताया फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इन्होंने साइकिल रैली निकालने का ये आइडिया अपने दिमाग में लेके आए। हाँ सर, जिसका जहाँ जरूर हो रहा हो ना इसमें एक बंदा आप देख रहे थे आईवी टीवी, ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आईवी टीवी। सहयोगी रोशन के साथ मैं हरी।